भागलपुर बयाई थाना क्षेत्र के बरार मधु चौक के समीप प्रिया मेडिकल संचालक एवं उसके स्टाफ ने मिलकर स्वर्गीय परशुराम यादव के 30 वर्षीय पुत्र टिंकू और राजीव यादव को 3 गोली मारकर युवक को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कर दिया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर मायागंज में जख्मी युवक के भाई सोम कुमार ने बताया कि प्रिया मेडिकल में कोरेक्स की बिक्री होती है, जिसे पिलाकर स्थानीय युवकों को बर्बाद किया जा रहा है, नहीं लेने पर गाली गलौज करते हैं। जख्मी युवक के परिजनों ने माने तो सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गया था। कुछ देर के बाद भाई को खबर आई कि उसके बड़े भाई को विपिन यादव एवं उसके स्टाफ ने, जिसका नाम मुन्नी यादव है, गोली मारकर जख्मी कर दिया है, जिससे कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया। इधर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लोगों को सूचना मिली थी कि बरारी मधु चौक पर एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। क्या मामला, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है। जो घायल है, सबसे पहले हम लोगों ने उसको यहाँ से अस्पताल इलाज हेतु भेजा है, आगे उन्हीं से जानकारी लेकर के पता किया जाएगा कि गोलीबारी हुई क्यों है। धन्यवाद। परिजन की जो माँ है, वो उनका कहना है कि दुकानदार कोरेक्स बेच रहे हैं, बेचते हैं, उस वजह से इधर सारा नशा कई तरह से होता है। इस संबंध में कांड दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि कोरेक्स बेच रहे हैं तो बिल्कुल कोरेक्स से रिलेटेड भी कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। पावर्ड बाई मम्मी किचन, इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।